नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़िया। आज बेशक टीम इंडिया लगातार जीत रही है, बेशक सीरीज पर सीरीज फतेह कर रही है, खिलाड़ी शानदार खेल रहे हैं, गेंदबाज कमाल कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब टीम को जीत के लिए तरसना पड़ता था। तब आज की तरह टीम को इतनी जीत नहीं मिलती थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने उस वक्त टीम को जीतना सिखाया, मैदान पर टीम को लड़ना सिखाया। लेकिन अब दादा ने अपने करियर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। गांगुली ने अपने कप्तानी करियर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2001 में मिली टेस्ट सीरीज को सबसे यादगार लम्हा बताया है। कोलकाता टेस्ट पर बोलते हुए सौरभ गांगुली ने यहां तक कहा कि कोलकाता में जिस तरह से हरभजन सिंह ने जीत दिलाई, उसे देख उन्हें हरभजन सिंह से प्यार हो गया था। सौरभ गांगुली ने एक अखबार से बात करते हुए कहा कि कहते हैं पहली नजर में प्यार होना। मैंने जब हरभजन सिंह को ईडन में गेंदबाजी करते हुए और 13 विकेट छटकते हुए देखा तो वे क्रिकेटर के लिए पहली नजर में प्यार जैसा था, क्योंकि मुझे लगा कि ये खिलाड़ी आगे चलकर भारतीय क्रिकेट को बदल कर रख सकता है। वैसे आपको याद होगा वो मैच, ईडन गार्डन पर खेले गए उस ऐतिहासिक मैच को राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण की यादगार पारी और हरभजन सिंह की हैट्रिक के लिए जाना जाता है। भज्जी के 13 विकेट आज भी याद किए जाते हैं। आपको बता दें कि कोलकाता में खेले गए उस टेस्ट मैच में हरभजन सिंह ने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 6 विकेट झटके थे। भारत ने फॉलो ऑन मिलने के बावजूद कोलकाता टेस्ट में 171 रनों की जीत हासिल की थी। इसके बाद टीम इंडिया ने चेन्नई टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया था। तब गांगुली की कप्तानी की काफी तारीफ हुई थी। हरभजन सिंह ने साल 1999 में डेब्यू किया था और सौरभ गांगुली की कप्तानी में उन्होंने टीम इंडिया को कई मैचों में जीत दिलाई। भज्जी ने अपने वनडे करियर में 269 टेस्ट में 417 और T20 में 25 विकेट झटके हैं। तो वहीं हरभजन सिंह ने साल 2007 में T20 विश्व कप और 2011 में वर्ल्ड कप जिताने में भी अहम भूमिका अदा की थी। लेकिन ये सच है कि भज्जी ने गांगुली की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन किया था, जो हमेशा याद किया जाएगा।